Nothing has taught me as much as my failures have taught me. My successes have given me comfort, inspiration, motivation, security. But my failures have made me the man I am today. And I wish for all of you to fail. Because when you fail, it hurts. Lekin when you gather yourself और उस failure से उठते हो, that's when you become a human being. That's when you become the woman or the man that you're meant to be. तब आपकी सही जो औकात है वो आप खुद recognize करते हो. तो फर्स्ट चीज जो मुझे सबसे सरप्राइजिंग लगी है ना आज, पहले तो मैं वो भी नहीं बोलने वाला, वेलकम टू इम्पैक्ट स्टोरीज से पहले मैं पूछने वाला हूँ कि आपका डाइट रूटीन क्या है. मैं बहुत सरप्राइज हूँ आज. मेरा डाइट रूटीन जो आप पूछ रहे हैं, बाय द वे हेलो एवरीबॉडी, आई एम विशाल. ये मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. ये है क्योंकि आई एम स्टन्ड राइट नाउ. नो बट फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू फॉर आई लव द ऑरा एंड द एनर्जी दैट यू एमिट. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आई लव योर वर्क, आई लव योर दिस थिंग, बट देयर इज अ सर्टेन एक होता है लोगों का. थैंक यू सो मच, रियली रियली नाइस ऑफ यू. डाइट की बात, इमीडिएटली वे रनिंग स्टार्टिंग हिटिंग द फ्लोर रनिंग. मैं सुबह उठता हूँ और मैं सबसे पहले कुलचे खाता हूँ. अमृतसर का एक बहुत ही अमेजिंग, नहीं सीरियसली, कुलचे खाता हूँ. और ये कुलचे में सारे जो है ऑर्गेनिक ही होते हैं. अच्छा, तो वो खाता हूँ मैं. उसके बाद थोड़ा सा जो चना होता है ना, चना भटूरा का, भटूरा नहीं खाता हूँ लेकिन चना खाता हूँ. अच्छा हाँ, उसमें 2 चम्मच घी तड़का मार के. तो ये सुबह सुबह का होता है. अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन, रिलैक्स, जो भी आप करो. हाँ. फिर उसके बाद लस्सी, राइट, मलाई मार के. तो ये सुबह की स्टार्टिंग है. तो नाउ वी विल कंटिन्यू टॉकिंग. फिर मैं आपको सेकंड मील, थर्ड मील ऐसे बताऊंगा. अच्छा, तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द जर्नी कि मतलब मुझे ये तो जानना है कैसी रोलर कोस्टर राइड रही आपकी अभी तक. इट्स अ लवली रोलर कोस्टर राइड एंड दिस रोलर कोस्टर राइड इज वन ऑफ दोस थिंग्स जहाँ पर स्ट्रेट भी है, अप्स भी है, डाउन्स भी है, लूप्स भी है. सो लाइक एवरी करियर इट्स बिन फन. लेकिन सबसे पहले आई वांट टू गिव ग्रैटिट्यूड, आई वांट टू से थैंक यू बिकॉज इट्स सो लवली. 28-29 ईयर्स होने को आए हैं अभी. और यहाँ पर हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पर जो रिटेनरशिप है वो मतलब ब्रेन रिटेंशन 5 सेकंड की होती है, 6 सेकंड की होती है. तो उस माहौल में अगर मुझे एक मौका मिला है कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, अभी भी रेलिवेंट हूँ, तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल. सो इट्स बिन अ लवली जर्नी फुल ऑफ मीटिंग लवली पीपल, एक्सपीरियंसेस, फिल्म्स, शोज, एड फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोज, थिएटर, नाउ OTT, digital, and I would even say Instagram and YouTube are part of journey, right? Yes. Evolution. So, अब ना दोनों साइड की बात करेंगे. मतलब what was the bright side and the dark side जो आपने देखा अभी तक so far working in the culture? So let's start with the dark side. There is not really a dark side. You know, the thing is that यहाँ पर हमारे line में as an actor अगर आप देखो तो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ही इनसिक्योर प्रोफेशन है. बिल्कुल जी हाँ है. लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो सारे जो प्रोफेशंस हैं वो हैं, उसमें इनसिक्योरिटीज़ और अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक लेवल पर होती ही है. हाँ, हमारे लाइन में ये ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपकी जो कामयाबी है वो डिपेंडेंट है किसी और के विम्स और फैंसीज, किसी और के मूड्स पर, किसी और के चॉइसेस पर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फिल्म करूं जो मुझे बहुत पसंद आया एज एन एक्टर और मैं इसे आपके थिएटर में डालूं, अभी ये अगर आपको एक्साइट नहीं करेगा तो फिर किसकी लॉस हो गई. अगर आप जा रहे हैं, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आपकी लड़ाई हुई है, आपका मूड ख़राब है, तो फिर किसका लॉस हुआ. सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जाते हैं इसमें. देन कॉम्पिटिशन इतना है, ये लाइन इतनी ग्लैमरस दिखती है बाहर से कि दुनिया भर से अब लोग आ रहे हैं मुंबई महानगरी, जहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्टर बने. और मैं तो सबके लिए कामयाबी चाहता हूँ सच्ची में, लेकिन ये होता नहीं है. और फिर ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो दे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दीज पीपल बिकॉज उनके प्रेपरेशंस जो हैं वो सीमित हैं बॉडी बिल्डिंग में या दो तीन रियली इम्पॉर्टेंट बट अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में जो एक्चुअल रिसर्च लोगों को करनी चाहिए. और मैं हमेशा कहता हूँ जब कोई मुझसे कहता है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द फर्स्ट एडवाइस दैट यू वुड गिव मी, और वो ये है कि प्रिपेयर योरसेल्फ कि आप ये रिसर्च करें कि आप वहाँ पर जाकर आप किसके साथ रहेंगे, बिल्कुल आपका सपोर्ट सिस्टम क्या रहेगा, मेंटली एंड फिजिकली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी. क्योंकि अगर ये सब नेगेटिव में है तो आप एज अ क्रिएटिव पर्सन चॉइसेस आपको इतने नहीं मिलने वाले हैं. और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग हियर मेंटली टू बी एन एक्टर और इन दिस लाइन एज अ क्रिएटिव एन आर्टिस्ट, एनी आर्टिस्ट, बिल्कुल. क्योंकि यहाँ पर आपके जो सक्सेसेस हैं वो पब्लिकली लोग सेलिब्रेट करते हैं, आपको हीरो बना लेते हैं, हीरोइन बना लेते हैं, लेकिन आपके जो फेलियर्स हैं वो जो पब्लिक है और जो नज़दीकी के लोग भी हैं वो ठहर के ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं. सो योर सक्सेसेस आर सेलिब्रेटेड बट योर फेलियर्स आर इवन मोर सेलिब्रेटेड एंड दैट टू पब्लिकली. अच्छा, ये पब्लिक की बातों पे आते हैं. जब ऐसा होता है ना, कभी कभार आप बहुत काम कर रहे होते हो, है ना, तब आपको लोग जब बोलते हैं अरे यू आर डूइंग रियली गुड ये वो, बट फिर क्या होता है कभी कभार मान लो आपके ऑफ टाइम आया, कुछ समय ऐसा हो गया आप साल बने, फिर वही लोग आते हैं अरे आप कर क्या रहे हो, काम क्या कर रहे हो. तो कैसे आपको डिटैचमेंट चाहिए, कैसे प्रिपेयर रहता है डिटैचमेंट से क्या लोगों की बातों पर? वेरी टफ. आज भी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, एज आई सेड 28-19 साल हो गए हैं, बिल्कुल. सो अप्स एंड डाउन्स तो ऑब्वियसली हैं, एंड अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि देयर हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी, राइट. लेकिन एक वक्त आया था जब मेरे खुद के रीजनिंग्स की वजह से और मुझे काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल, राइट. तो उस टाइम पर जो डाउन था मैंने खुद रियलाइज़ नहीं किया क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा सा रिलीव्ड हो गया था. अच्छा. क्योंकि 10-12 साल रोज़ 15-16 घंटा काम करते 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 एक आदमी घिस जाता है, राइट. तो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए और एक ब्रेक आ गया था, लेकिन मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि ये ब्रेक थोड़ा सा यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं वो लक्ष्य. एक इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ जिसके बारे में मैंने मेंशन नहीं किया है. ये वो टाइम था कि मैं स्क्रीन पर करीबन 3-4 महीने तक नहीं दिखा, और एज आई सेड वेरी हम्बली कि मेरे करियर में ऐसा था कि मैं हर रोज़ कम से कम 4-5 बार स्क्रीन पर दिखाई देता था, चाहे वो एड फिल्म थी या कोई सीरियल था या कोई मेरी फिल्म रिप्ले, तो लोग हमेशा मुझे देखते थे. अब एक ऐसा दौर आया जब लोग मुझे कम देखने लगे 2-3 महीने के लिए, और मैं एयरपोर्ट में ऐसे सिक्योरिटी जो होती है ना जब आप स्कैनिंग कर रहे हैं, तो स्कैन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि क्यों विशाल भाई कैसे हो आप? ऐसे बिल्कुल सर जयंत मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? हमेशा बात तो होती रहती है, बिल्कुल होती है. तो उन्होंने बोला अरे आजकल दिखते नहीं हो आप. हिट करता है और उसी टाइम टी भी हुआ. तो इट वाज लाइक ये मेरी दिमाग की घंटी बज रही है. तब मैंने रियलाइज़ किया कि हमारे लाइन में वी डू नॉट हैव द लग्जरी ऑफ स्टेपिंग बैक, क्योंकि एक बार आपने स्टेप बैक कर लिया, चाहे आप कोई से भी मुकाम में आप खुद के लिए कर रहे हो, या आपको काम नहीं मिल रहा है, या आप बीमार पड़ गए हो, जो भी है, ये एक बहुत ही टफ पार्ट है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि आपने एक बार जब ब्रेक ले लिया है तो वापस आना, कम बैक करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल. So luckily I got an opportunity, I came back again and then it, but you cannot. तो एक साइकिल में मुझे ये मेरे जहन में मैंने एक बात डाल दी है कि do not let your successes or your failures affect you. बहुत ही difficult बात है, कहने के लिए तो बहुत ही आसान है, ज्ञान होता है कि don't let it affect you. It's bullshit, right? Your failures and your successes affect you tremendously. हाँ, वक्त और experience के साथ इनका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा आप कंट्रोल, थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं. लेकिन आज भी मुझे बहुत दुख होता है जब मेरा कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है या इट डजंट लिव अप टू माय एक्सपेक्टेशन, या अगर मुझे जो एक प्रोजेक्ट चाहिए वो मुझे नहीं मिलता है, या मैं एक ऑडिशन देता हूँ. आज भी मैं ऑडिशन देता हूँ और मैं आगे से हक से पूछ के ऑडिशन देता हूँ. आगे जब हम बात करेंगे मैं आपके सारे व्यूअर्स जो एक्टर बनना चाहते हैं उन्हें ये एडवाइस दूंगा कि आप हक से जाकर ऑडिशन दीजिए. आजकल बहुत सारे लोग ऑडिशन नहीं देना चाहते हैं, बट यू मस्ट. तो मुझे बुरा लगता है जब मैं देता हूँ और मुझे नहीं था, तो ये सारे मुझे भी बुरा लगता है. और सिमिलरली जब मेरे सक्सेसेस आते हैं तो वो सक्सेस को सीमित रखना भी मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. सो आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एंड अगर कोई आपको कह रहा है कि डजंट अफेक्ट मी, वो आपसे झूठ कह रहा है. मैं ना रिसेंटली मेरे एक गेस्ट थी मेरे इस पर आई थी, शी वॉज पार्ट ऑफ टॉप 3 मिस इंडियाज, तो वो उनसे मेरी बात हो रही, तो उनसे मैंने ना बात करते करते उन्होंने मुझे बहुत, मैंने उनसे पूछा कि उनका कुछ ऐसा दौर था जो थोड़ा ब्रेक चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ कम यू ऑलवेज लाइक बी सो एनर्जेटिक ये वो काम करते हुए, तो मैंने पूछा कैसे कर लेते हो आप, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं ना पीछे ज़िंदगी में देखती हूँ मैं कहाँ से चल के आई हूँ, है ना, और वही आगे देखने का जरिया बन जाता है कि जहाँ पे ये हो भी नहीं सकता था बट ये हुआ है मेरे साथ यहाँ तक। बिल्कुल, इट्स अ वेरी वेल सेड थॉट कि ऑलवेज लुक वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। लेकिन मेरा परसेप्शन थोड़ा सा अलग है। अलग अलग फेजेस ज़िंदगी में अलग अलग पर्सपेक्टिव देती हैं। बिल्कुल, मैं आजकल पिछले 4 साल से सिर्फ और सिर्फ आगे देख रहा हूँ, मैं अपना बिगिनिंग पॉइंट नहीं देख रहा हूँ अब, क्योंकि वो इतना पीछे हो गया है कि वो मैं कौन था क्या था आई डोंट रिमेंबर इट इन एग्जैक्ट डिटेल्स, लेकिन मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मैं बहुत ही क्लियर हूँ और मैं उसमें से बैकवर्ड्स वर्क कर रहा हूँ। तो एक दोनों तरीके की फिलॉसफीज़ हैं। राइट नाउ आई एम वेरी यू नो हॉर्स ब्लाइंड्स जो होते हैं कि घोड़े के जो हॉर्स ब्लाइंड्स होते हैं कि वो मेरा रास्ता है, मुझे वहाँ पर मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहता हूँ इस टाइम फ्रेम में, एंड आई एम वर्किंग बैकवर्ड्स। फॉर मी दैट्स वर्किंग अ लॉट। ऐसे मुझे ना मतलब कल होता है ना, आप बैठे रहते हो किसी से बात में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो आई वॉज सिटिंग विद दिस लेडी एंड शी टोल्ड मी कि मैं ना बहुत फेयरफुल हूँ। जैसे आप कोई कभी कोई पोजीशन आती है आपकी लाइफ में, आप ऐसे फेयरफुल हो जाते हैं कि यार और ये गलत हो जाएगा, यार वो भी हुआ भी नहीं है, आपको लगता है अरे गलत हो जाएगा, अरे यार ये बहुत गलत हो जाएगा मेरे साथ। तो आई मेट दिस लेडी एंड शी सेड कि लाइफ में ना फियरलेस हो गए जीना, जो होने वाला है वो तो होगा ही, हाँ, बट जो नहीं भी होने वाला है वो भी तेरे साथ ही घटेगा तो डरता रहेगा। जैसे अच्छा। उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया कि एक मेरा दोस्त था, उसके पास अच्छी खासी वेल्थ थी बट ही वॉज ऑलवेज वरीड कि वेल्थ चली जाएगी, वो जाने वाली नहीं थी बट तेरा फियर इतना बड़ा हो चुका था कि तेरे चली ही जाएगी। तो ये तो वही बात हुई ना अंकित कि यार आई बिलीव कि हम सब एनर्जीज हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल राइट हम एनर्जी एमिट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो अगर आप अच्छा ही एनर्जी एमिट करें तो फिर आपके साथ ज़्यादा चांसेस हैं कि अच्छा ही होगा। मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि ये बस बोलने की बात है। नहीं नहीं, ये बहुत ही क्लियर बात है। और एक और पर्सपेक्टिव है कि लोग ऐसे भी होते हैं कि हम सब चुंबक होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं। अगर आप मतलब आई डोंट मीन टू से दिस इज माय थ्योरी, आई डोंट नो इफ इट्स राइट, लेकिन हमारी अगर आप दुनिया देखें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो मैग्नेट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बीच में एनर्जी शफल होती रहती है और हमारे अंदर भी एनर्जीज ही है, राइट। ये कोई स्पिरिचुअल बात नहीं है, ये फैक्चुअल है, राइट। तो हम चुंबक हैं, हम मैग्नेट्स हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मैं भी होता था कि मैं लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करता था। तो अगर मैं किसी नेगेटिव लोगों के साथ अगर उठता बैठता तो मैं खुद मतलब अंदर मुझे बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं अगर अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ, इंस्पिरेशनल लोगों के साथ रहता था तो फिर वो एनर्जी अलग हो जाती थी। अब वो भी हमें कंट्रोल, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दैट कि आप अपना इनपुट कितना ले रहे हो और आउटपुट कितना दे रहे हो। तो एक सब चीज़ बैलेंस की होती है। बट एनर्जी इज एज यू सेड अंकित वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये सब मतलब थोड़ा सा एक ब्लर लाइन हो गया कि ये यार ये स्पिरिचुअल है कि क्या है। नहीं, दिस इज अ फैक्ट ऑफ अस बीइंग ह्यूमन। जैसे कि अगर मैं अपने आप पर एक पिन डालूंगा या तो खून निकलेगा ही निकलेगा। सिमिलरली आज मेरे से एनर्जी निकल रही है, आपसे एनर्जी निकल रही है, आपसे एनर्जी निकल रही है, इस एरिया से एनर्जी निकल रही है। दैट इज़ वाई आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप एक प्लेस ऑफ वर्शिप, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ पर भी आप जाते हैं, फायर टेम्पल, एक आपको एक सुकून सा मिलता है क्योंकि वहाँ पर जब लोग आते हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी पॉजिटिविटी उन्हें मिले और उनका एक बिलीफ है। बिल्कुल। सो इट्स वेरी सिंपल एंड दैट आई बिलीव इज ट्रू। तो अगर आप वो रखें। हाँ, मुझसे पूछोगे ना मुझे क्या सैड करता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। अंकित, हाँ, आपको क्या सैड करता है? हाँ नहीं, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ ये बात, मुझे क्या सैड करता है। मैं ज़्यादा उस स्टेटमेंट को आप कंटिन्यू करो। जब मैं किससे मिलता हूँ ना, मतलब जैसे कोई किसी भी बैकग्राउंड से या फिर आर्टिस्ट लाइन में मोस्टली जब मिलता हूँ तो दे ऑलवेज हैव ओपिनियन अबाउट अदर पीपल, है ना। अरे जैसे आप, हम 3 लोग बैठे हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद गए तो दूसरा आदमी दूसरे बार ओपिनियन दे रहा है, होता है ना। अच्छा। कि अरे यार वो तो ये कर रहा है। अच्छा, पीठ पीछे, पीठ पीछे। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ कि ओपिनियन आए कैसे, वी डोंट नो कि कौन बंदा किस चीज़ से गुजर रहा है। 100% नेवर नो. बट व्हाई पीपल आर लविंग दीज डेज कि वो दूसरे के बारे में ओपिनियन दे ही दें. व्हाट इज द मोस्ट सक्सेसफुल टेलीविजन शो इन इंडिया राइट नाउ? कोई है बताइए. हाँ अच्छा ओ यस, ये आपका आंसर है. दूसरों की संकट, दूसरों की बुराई, चुप के दूसरों को देखना लड़ते हुए हम पता नहीं क्यों एंजॉय कर रहे हैं. एक ऐसे टाइम में चले गए हैं जहां पर यही है एनर्जीज. आप पूरी दुनिया को देखिए, आज अनफॉर्चुनेटली सब जगह वॉर्स हो रही हैं, वायरसेस फैल रहा है, फिर से कोविड फैल रही है. व्हाई? देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस. करेक्ट. तो इसका कोई वाई नहीं है कि बेसिकली आपका सवाल, अगर मैं थोड़ा सा अपने तौर से कहूँ, तो सवाल वाज कि हम सब इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हैं. नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, नेगेटिव एनर्जीज हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं, जा रहे हैं. वो पॉजिटिव एनर्जीज देखना एक एफर्ट हो गया है. इट्स बिकम एन एफर्ट टू एमिट पॉजिटिव. हमें कोशिश करनी पड़ती है. तो ये ज़माना ही ऐसा है कि अगर मैं किसी तरह बैठना चाहता हूँ ना, तो मैं दूसरे की तारीफ सुनना चाहता हूँ. अगर आपसे किसी की बात चल रही है तो वो आप उसकी तारीफ करो, आप उसका अगेंस्ट. लेकिन आप जैसे लोग कम है ना जिंदगी में, दुनिया में, क्योंकि लोगों की तारीफ सुनना लोगों को शायद ज़्यादातर इसलिए पसंद नहीं आता है क्योंकि उनकी खुद की ज़िंदगी में वो सक्सेस नहीं है जो वो चाहते हैं. वो बुरे नहीं है, कोई इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता है. बिल्कुल सिचुएशंस होते हैं लाइक यू सेड. यस करेक्ट. वो किस दौर से गुजर रहे हैं, वो उनके एम्बिशंस क्या हैं, बिल्कुल उसमें वो कामयाब हो रहे हैं, उनके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, इतने सारे एनर्जीज हैं. बिल्कुल. तो हम कैसे कह सकते हैं? लोग मेरे जर्नी में, प्रोफेशनल जर्नी में, बहुत सारे लोगों ने, मेरे पर्सनल जर्नी में भी ऐसे हुए हैं कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत नहीं लेकिन लोगों ने मेरे लिए बुरा सोचा. मेरी कामयाबी उनसे डाइजेस्ट नहीं हुई, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं, उन्हें घिन आती थी और वो चाहते थे. तो जब भी मैं सक्सेसफुल होता वो बिल में चले जाते, लेकिन जब मैं थोड़ा सा भी, मेरा इंक्लिंग भी होता कि यार ये उस लेवल पर नहीं पहुंचा जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे. सो पीपल वाज सेलिब्रेटिंग इट. वो क्यों कर रहे थे ये समझ नहीं आता. मैं अपना, अपनी एनर्जी उन पर क्यों गवाऊं कि ये क्यों कर रहे हैं बॉस, आपको क्या हो गया. लेकिन मैं हाँ ये इतना जानता हूँ कि वो, मैं उनसे एक सेकेंड भी अफेक्टेड नहीं हूँ और मैं उन पर थोड़ा सा पिटी करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में इतना भी अच्छा नहीं हो रहा है इस वक्त कि वो किसी दूसरे की, मतलब खुशी छोड़िए, दूसरे की गम में सेलिब्रेशंस कर रहे हैं. तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा होगा, और ये सबके ज़िंदगी में होता है. सो इट फील्स कि हम एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में शायद बहुत जी रहे हैं. ये सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, ज़िंदगी में ना सफलता का कारण नियत कितना बड़ा रोल प्ले करता है? नियत कैसे तय करता है कि कितना आदमी सफल होगा अपनी ज़िंदगी में? मेरा, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट नियत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अपने ज़िंदगी में हमारी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है और उस डेफिनेशन में हम कहाँ पर हैं उस स्केल में. आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट पार्ट. ज़्यादातर लोग दूसरों के लिए इसलिए खुश नहीं होते हैं क्योंकि उनकी खुद की ज़िंदगी में वो अपने सक्सेस के बैरोमीटर में नीचे हैं. अगर वो खुद में ही सेटिस्फाइड हैं तो ऑफ कोर्स वो दूसरे के लिए खुश होंगे. वो फ़र्क नहीं पड़ेगा यार कि दूसरा सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है. यही तो होती है ट्रू फ्रेंडशिप, ट्रू रिलेशनशिप्स, वही तो होती है ना, जहाँ पर, यार मेरा एक दोस्त था जो अभी अभी बना, मतलब 10 साल पहले, राइट. आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. 9-8 महीने तक तो वो, मैं तो जानता भी नहीं था कि वो क्या काम करता है, कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं है. लेकिन एक दूसरे के साथ क्या तालमेल थी, हमारी जो एनर्जीज थी वो इतनी अमेजिंग थी. ही डिड नॉट केयर व्हाट आई वाज डूइंग इन माय लाइफ, आई डिड नॉट केयर व्हाट ही वाज डूइंग इन हिज लाइफ. तो आप अपने ज़िंदगी में अपने सक्सेस के बैरोमीटर पर कहाँ पर है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि आप दूसरों के लिए खुश होंगे कि नहीं. अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, मेरा हमेशा इस हर किसी के साथ करता हूँ, आपको उसे एलैबोरेट करना है, आपको उसे कंटिन्यू करना है. लोग ना, हर इंसान को, मैंने 2 लोगों को बैठ के बोलते सुना है, कोई किसी की नसीब की रोटी नहीं छोड़ सकता, जो उसके नसीब में लिखा है उसे मिलना ही मिलना है ना. फिर भी वही इंसान कभी ना कभी किसी नसीब से चुरा रहा होता है. आई डोंट नो यार, कोशिश तो सब करते हैं कि दूसरे के नसीब से करें. मतलब आप, एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पर्पसली, आप वेरी सबकॉन्शियसली आप देख लीजिए. मैं ऑडिशंस की बात कर रहा था. अभी 10 लोग एक रोल के लिए ऑडिशन करते हैं, तो एक तो सब 10 एक दूसरे की नसीब खींचने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल राइट. अब मैं ये विश्वास करता हूँ कि जिसके किस्मत में जो लिखा है और जितना ही लिखा है उतना ही मिलने वाला है, चाहे आप कितना भी हाथ पैर मार लें. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, बहुत सारे लोग इसका मिस इंटरप्रिटेशन लेते हैं कि आप मेहनत मत करो. बिल्कुल 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है. आपको साबित करना है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक पॉइंट पर आपने मेहनत कर ली है, उसके बाद आपको छोड़ना है. पहले से नहीं कि यार मेरे किस्मत में होगा तो होगा. एक बार ना इस बात पे मुझे एक दुकानदार ने बहुत अच्छी बात बोली थी. आई वॉज स्टैंडिंग एट द शॉप एंड मैंने बोला कि आपके बगल वाला तो कभी कभार आपसे बहुत ज़्यादा सेल करता था, आपको बुरा नहीं लगता? तो उसने बोला बेटा कभी ना जिंदगी में ना रोटी की लड़ाई को कोई पर्सनल लड़ाई मत लेना. मतलब वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसे अपने घर परिवार को पालना है, मैं इसलिए कमा रहा हूँ, ये हमारे ऐसा मैं भी बेचना उससे ज़्यादा चाहता हूँ, बट रोटी की लड़ाई को ना कभी पर्सनल मत मानना. वो मेहनत है, वो कभी वो करेगा कभी मैं करूँगा. बिल्कुल. लेकिन उस पर आई एग्री विथ यू, बहुत ही बढ़िया बात की इन्होंने. लेकिन इसमें यह होता है ना कि उस रोटी के लड़ाई में अगर आपने एक फेयर प्ले नहीं किया, अगर आपने पर्पसली कहा कि यार वो तो जहर बेचता है, यही आगे बात वही वाली जो मैंने पहले कहा था, लोग अगेंस्ट बोलना शुरू करते हैं. उस बंदे ने क्या पता बहुत हेल्दी बात बोली सामने वाले के लिए, क्या पता दूसरा बंदा अगेंस्ट बोले उसके. लेकिन फिर घूम फिरा कर वही बात आ जाती है ना कि आप अपने सक्सेस के स्केल पर आप कितने खुश हैं. राइट. अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आप खुश हैं, तो आपको घंटा फर्क पड़ेगा यार कि वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, मुझसे बेहतर कर रहा है. नहीं यार, आप अपना, आप अपनी दुनिया देखिए. ऐसे इतने सारे लोग हैं अंकित, इन एवरी फील्ड. मैं अपने फील्ड के बारे में ही बात कर सकता हूँ कि इतने खुश हैं, करोड़ों पैसे कमा लिए हैं, गाड़ियाँ पड़ी हैं, बंगला है, हेल्थ है, फैमिली है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है क्योंकि वो अगला बंदा जो है उसके पास ज़्यादा करोड़ है या उसके कुछ तो होगा. अरे क्यों? ऊपर वाले ने या जो भी आप विश्वास करते हैं आपको, यू नो, एक चीज़ हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपके जो गेस्ट हैं उनसे मैं सहमति रखूँगा कि देखिए आप कहाँ से कहाँ पर पहुँच गए हैं. बिल्कुल. आप क्यों खुश नहीं हैं? वाई आरंट यू thankful for where you are in life. I am so thankful I'm sitting with you, Ankit. Because number one, we're healthy. We're healthy enough here and here कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, चाहे it makes sense to others or not, but we are liking this conversation. We're so blessed to be sitting with each other क्योंकि आपने मेहनत से, आपने सबने अपने मेहनत से एक मुकाम आपने कायम किया. बिल्कुल. मैंने अपने मेहनत से एक मुकाम कायम किया है. बिल्कुल. यू फाउंड इट एंड आई थैंक यू कि आपने मुझे लायक समझा कि आप मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाएं. सो थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू एवरीबॉडी. या आपने अपना टाइम निकाला है, आपने मुझे वो दर्जा दिया है, वो यू वांट टू लिसन टू व्हाट आई से, सो आई थैंक यू फॉर इट. सिमिलरली यू नो, मैं भी रिकॉग्नाइज करता हूँ कि आपने एक दर्जा कायम किया है. तो अगर हम, मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम अपने सक्सेस में सीमित रहें, हैप्पी रहें, एटलीस्ट 70%, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट बी हैप्पी, 70% भी अगर हम कोशिश करें, तो आई प्रॉमिस यू आपकी जिंदगी जैसे बदलेगी. यू विल बी मोर कंटेंट. आप हमेशा कंपीट कर रहे हो, मतलब आज आप इनसे कंपीट करोगे, उनसे लेकिन यार रणवीर कपूर ने तो एनिमल कर ली यार, वाओ यार, और मैं ये कर रहा हूँ यार, लेकिन बॉस आपके पास तो ये है, आपके पास इतना कुछ है. हाँ. रणबीर कपूर के पास भी है. हाँ. आप अगर, ठीक है, आपके पास अगर इतने पैसे और आ जाते तो क्या आप अलग खाना खाते? क्या आप अलग हवा, मतलब आपको क्या चाहिए जो उनके पास है जो आपके पास नहीं? और आपको क्या पता कि उनके पास क्या नहीं है? इस पे एक विराट कोहली सर की बात मुझे याद आती है. वो कहते हैं कि ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि विराट कोहली जैसा बनना है या फिर मेरे पास बहुत पैसा है, बट उनके शायद फादर नहीं है. तो उन्होंने बोला क्या तुम मेरे पापा मुझे दे सकते हो, मैं आपको पैसा दे दूं? There you go. Absolutely. Very well said यार. यही तो है. You know, nobody's life is perfect यार. और ये जो हमारे जो सोशल मीडिया है उसके प्लसेस भी हैं लेकिन उसके माइनसेस आजकल हम बहुत ले रहे हैं क्योंकि हर रोज सबसे पहले तो सबसे गलत चीज़ जो होती है, रूटीन के बारे में आप बात कर रहे थे ना. आई जस्ट जम्प बैक टू दैट. सबसे पहले 99% जो लोग होते हैं वो उठते हैं और अपना फ़ोन निकाल लेते हैं, ये देखते हैं, एंड दे आर बराज्ड. सबसे पहले मतलब मैसेजेस वगैरह नहीं, सोशल मीडिया देख रहे हैं कि यार ये दिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये यार इसने ये अवार्ड जीता है. सब अपना बेस्ट जो है और बेस्ट को एग्जैजरेट करके आगे बढ़ाते हैं. फिल्टर्स, माय गॉड, मतलब कोई तो बुरा दिखता ही नहीं है सोशल मीडिया में. हर बात की बात मुझे आपकी कोई ना कोई बात याद आती है. तो मेरा ना दोस्त है रोहित खंडेलवाल, ही वॉन्ट द मिस्टर वर्ल्ड टाइटल है ना, ओनली एशियन हु वॉन्ट द मिस्टर वर्ल्ड टाइटल. रोहित इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. मैंने उनसे बोला सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो मुझे कहते हैं कि अंकित सोशल मीडिया बुरा है कौन, है ना. तो उन्होंने बोला कि मुझे क्या तू वो पिक्चर लगाया जिस दिन तेरे यहाँ पूरे इंजरी हो जाए और तू उसे फोटो खींच के पोस्ट कर सकता है. तो उन्होंने बोला कि तू ब्राइट साइड देख रहा है, दूसरा परेशान है, डार्क साइड तो देख ही नहीं पा रहा है हमारा. तो क्या सोशल मीडिया तो बस ब्राइट साइड है आपका, डार्क साइड तो है ही नहीं. बिल्कुल. और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये है ही एक प्लेटफॉर्म अपने आप को प्रमोट करने के लिए. इसीलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है कि लोग बहुत फ़ोन उठाते बोलते हैं मैं जैसा क्यों नहीं हूँ. कंपैरिजन होता है, वही फिर से वो बात हो जाती है कि आप अपने आप में सहमत हो, सैटिस्फाइड हो, तो फिर इतना इफेक्ट तो नहीं होगा, इंस्पिरेशन हो जाएगा. फिर वो बात ही बदल जाती है कि यार अंकित सोचे कि यार अंकित, आई एम अ गुड लुकिंग मैन, आई एम हेल्दी, आई एम सक्सेसफुल इन माय ओन राइट, मैं खुश हूँ यार, मेरे 2 वक्त की रोटी, मैं कहीं पर भी कोई से भी रेस्टोरेंट में दुनिया में जा सकता हूँ, आज अगर मुझे हॉलीडे पर जाना है तो मैं जा सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं खुश हूँ. तो फिर आप अगर किसी और के सक्सेस को देखें तो इतना फर्क आपको नहीं देगा. एक अलग बात है कि उसमें से शायद आपको एक इंस्पिरेशन आ जाए कि यार मुझे अब इस लेवल से, अब ये इस फील्ड में ये चाहिए. तो दैट इज वेयर इट इज. और प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, कहते कहते मेरे जहन में ये भी बात आ गई कि ये तभी नहीं होता है कि जब आप ऑलरेडी आपने एक मुकाम कायम किया है. आपका जो मुकाम है वो आप डिफाइन करते हो. You define your success. कि आप किस चीज को सक्सेस कहते हो. हमेशा अपनी जिंदगी को अपने लास्ट 2 मिनट जो जिंदा है आप उसके परसेप्शन से अगर आप देखोगे, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, क्या मैंने दोस्त बनाए, ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मैंने दोस्त बनाए, क्या मैंने लोगों को दुख दिया, क्या मैंने किसको खुशी दी, मैंने कितने लोगों को उठाया, कितने लोगों ने मुझे उठाया, कौन थे जो मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरे साथ थे, कौन थे जिन्होंने मेरे पीठ में इतने खंजर डाले, मैंने किनके पीठ में खंजर डाला, मैं कौन था. अभी इस पूरे चीज में क्या आपने मुझसे ये भी एक बार, हैव यू हर्ड मेरे पास कितने गाड़ियां थे, मेरे पास कितने बंगले थे, मेरे पास कितने अरब करोड़ों रुपए थे, लाखों रुपए थे, हजारों रुपए थे, क्या मेरे बच्चे मुझसे खुश हैं, क्या जब मैं जाऊंगा वो बोलेंगे कि मेरे दादाजी या मेरे पिताजी. दैट्स लाइफ यार. और इस पूरी साइकिल को हम भूल जाते हैं. मेरे ना ऑफिस में मैं एक्चुअली आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर 7 years ऑफ माई लाइफ. तो लवली. मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ, मैं चाहूँगा आप ही उसे कंटिन्यू करोगे, है ना. उन्होंने मुझसे बोला कि तू आज से, जब मैं इनिशियली आया था, मतलब जब जॉब पे करने लगा, तो उन्होंने बोला आज से तू, बहुत सालों पहले जब नौकरी चाहता था तो क्या मांगता था. तो उस समय भाई फैमिली वॉज वेरी स्मॉल, फैमिली बहुत स्ट्रगलिंग जॉब करने की. ऑल वर इन दिल्ली इटसेल्फ? नहीं, आई एम फ्रॉम देहरादून. ओह ब्यूटीफुल. तो दैट्स व्हाई यू आर सो हैंडसम यार. तो मैंने उनसे बोला, तो बात चलने लगी, तो मैंने उनसे बोला कि यार जब मैं छोटा था ना, तब मेरे फादर मान लो 20,000 कमाते थे, तो मेरी ड्रीम था कि 25,000 की सैलरी हो मेरी. अच्छा है ना. हाँ. तो मेरी जो ड्रीम जॉब थी ना वो 25,000 रुपये की थी. अच्छा ना. तो उन्होंने, मैंने बोला बट मैं उससे खुश नहीं हूँ, आज मेरी जॉब में यार ये तो एक्सपेंसेस बहुत हैं, चले गए हुए. तो उन्होंने मुझसे बोला क्या भगवान ने तेरी सुनी नहीं? सुनी, तुझे वही दिया जो तूने मांगा, बट आज तेरे को कदर नहीं हो, तेरी प्रॉब्लम है. बिल्कुल. और फिर हम कोसते हैं जब 25,000 रुपए से आपको 5 लाख रुपए आप कमाते हो. आप बोलते हो कि मैं सिर्फ 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ. नहीं, आपने पूछा था 25,000. अब इसमें और बात है, तो उन्हें बोला आप अपने पैशन को ढूंढ, क्योंकि पैसा तो कभी नहीं पूरा होगा. बिल्कुल. ऐसा काम करो भाई जिसमें ऐसा लगे कि आप कभी काम ही नहीं कर रहे. मैंने ऐसा काम चुना है अपनी जिंदगी में, एंड अगेन आई एम सो थैंकफुल कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दिन काम नहीं किया है. आई लव माई प्रोफेशन, वॉट एवर प्रोफेशन आई एम इन मल्टीपल प्रोफेशंस टुडे, बट आई लव ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. एंड दिस कम्स फ्रॉम व्हाट यू सेड अंकित एंड व्हाट योर फादर सेड कि यार आप अगर पैशन को फॉलो कर रहे हो तो पैसे आ ही जाएंगे क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो. और फिर से घूम फिरा कर वही बात आती है कि आपके अंदर से वही एनर्जीज निकलेंगी क्योंकि आप खुश हो, राइट? तो इट्स अमेजिंग. ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जनरेशन में जो एक रट में फंस गए हैं. सुबह उठते हैं 6:30-7 बजे, ट्रेन पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं, गाड़ी से जाते हैं, ट्रैफिक में अटकते हैं, ऑफिस जाते हैं, बॉस की फ्रस्ट्रेशन सुनते हैं, ख़त्म करते हैं, ऐसे घिस जाते हैं वो. और ये बुरी बात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये उनकी चॉइस है कि मैं MBA करके ये करूँगा या मैं ये करूँगा, या जो भी रीज़न है. बट आप उससे कैसे निकले, आप उसे कैसे एंजॉय करें, इट्स अप टू यू. मेरे फाइनल ईयर मैं हमेशा ना अपनी जो जिंदगी में घटता है ना, मैं वो नहीं पूछता बनावटी सवाल, मैं वो बताता हूँ जो मेरे जिंदगी में घटा है, मैं वही बात करता हूँ. मैं अपने फाइनल ईयर के करियर में, मतलब फाइनल ईयर की था इंजीनियरिंग के, तो हमारे कॉलेज में ना एक बच्चा था जो पूरे साल भर कहता था यार कि मेरी नौकरी लगना बड़ा मुश्किल है. अच्छा. और शायद वो पढ़ने में थोड़ा वीक भी था, तो पूरे बैच में ऐसा हुआ कि चलो यार लग जाएगी यार, जब वो करते हैं ऐसे. बट कमाल की बात, जब वो खत्म हुआ ना, सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट उसका हुआ. अच्छा. तो मैं हमेशा से मानता हूँ जिंदगी में ना कोई किसी की करियर कुछ भी कोई तय नहीं कर सकता. हाँ बिल्कुल नहीं. तो कल क्या हो गया, कोसना बंद करना पड़ेगा, मत कोसो यार, एंजॉय. कोविड से हमने कुछ नहीं सीखा. हाँ बिल्कुल कुछ नहीं सीखा. उस वक्त तो सब इंस्पिरेशन कि यार ये खत्म हो जाए, हम ह्यूमैनिटी में हम एक हमने पीछे देखकर उस वक्त देखा कि हम कहाँ पर क्या क्या गलती कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं. जैसे कोविड खत्म हुआ सब अपने अपने. सो वैल्यू व्हाट यू हैव यार. कोविड से तो एक तो सीखा ही कि कोई भी कब भी, मतलब कुछ भी हो सकता है. हम सब अनफॉर्चुनेटली ऐसे फैमिली को जानते हैं, दोस्तों को जानते हैं who have lost somebody during COVID. Life is unpredictable. जहाँ आज आप बैठे हो, कल एक दोस्त आए थे, आरजे थे, वो बैठे हुए थे, वो जॉब कर रहे थे. मुझे उनकी बात याद रह गई. वो बोलता है आज इंसान इतना नीचे गिर गया है कि कोविड की बात बताते हैं. वो कहते हैं कोविड में ना प्लाज्मा आपकी बॉडी से निकलता है, राइट? उसने बोला कोविड में क्या हुआ, एक इंसान को प्लाज्मा चाहिए था. इट वाज इजी, यू कैन गिव प्लाज्मा. और अब तो कहता है मैडम आप 2 लाख रुपए दो वरना 3 लाख वाला मुझे फ़ोन कर रहा है. पहले आपने फ़ोन किया इसलिए पहले आपको प्रायोरिटी दे रहा हूँ. तो आई ऑल्सो गॉट नम फॉर सम टाइम. यू आर सेइंग द प्रॉब्लम इज कि हमें खुद नहीं पता हम कितने नीचे गिर गए. प्लाज्मा की आप बात कर रहे हो, क्रेमेटोरियल में जगह नहीं थी तो आप किसी को, अपने प्यारे को जो हू इज जस्ट पास्ड अवे, आप उन्हें एक प्रॉपर एक क्रेमेशन देना चाहते हैं, उसके लिए पैसे आप नहीं करेंगे तो ये दे रहे हैं. तो ये घटियापन जो इंसानियत की है ना, वो सब मतलब आगे आ गई. मतलब जब दूध उबलता है ना तो जो कचरा था वो सब ऊपर आ गया और सब ने देखा, सब बहुत ही एम्बैरेस्ड हो गए और सब ने बोला कि नहीं यार ये नहीं चलेगा. और जैसे वो स्टोव बंद हुआ और कोविड खत्म हुई, वो सब फिर से नीचे हो गए. ऊपर तो आपको ब्यूटीफुल वाइट सफ़ेद सफ़ेद दूध ही दिख रहा है अभी. तो सब अपने डिल्यूजन में रह रहे हैं, लेकिन दैट्स व्हाट इट इज़ यार. आप अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, ये फर्स्ट स्टेप होता है. बी द चेंज दैट यू वांट टू सी द वर्ल्ड इन. तो अगर आप कुछ चाहते हैं तो वो आप कीजिएगा. मैं शायद ओशो ने कहा था ये बात, कहते हैं इंसान ना अपनी ज़िंदगी बहुत चेहरे पहनता है, बट कभी ऐसा ना हो किसी चेहरे में इतनी लंबी ज़िंदगी काट दो जो आप थे ही नहीं. बिल्कुल. और एक और चीज़ आई एड टू इट कि इतना टाइम आप प्लीज़ मत बर्बाद कीजिए किसी और के चेहरे में कि आप वही चेहरा बन जाए. और वो आप चेहरा बनेंगे नहीं, आप अपना जो परसेप्शन है उस चेहरे का वो बन जाएंगे, जो हमेशा गलत होता है. अगर मैं समझूं कि शाहरुख खान ये हैं और मैं वो बनना चाहता हूं, मैं बस उनकी ज़िंदगी जीना चाहता हूं, वो मेरा परसेप्शन है उनकी ज़िंदगी के बारे में. और बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, जो आपके फादर ने भी आपसे कहा था कि यू विश फॉर 25,000 रुपीज़ एंड नाउ यू आर नॉट हैप्पी कि आपको ज़्यादा भी हो गया. बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर. बहुत ही ध्यान से आप विश कीजिएगा, क्योंकि जब वो विश पूरी होती है ना, सो यू कम टू नो कि उस विश में क्या अच्छा है और क्या बुरा भी है. और ज़्यादातर वो जो बुरा होता है उसमें वो ज़्यादा होता है. यू आर शॉक्ड, क्या इनकी ज़िंदगी में ये है? मैंने तो सोशल मीडिया में देखा था कि सब अच्छा ही है, लेकिन ये है. तो सबकी ज़िंदगी में होता है यार. ये एक चीज़ अंकित, आई जस्ट switch off the conversation track and say हम सब इतने blinded हो गए हैं ना कि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी सबसे ख़राब है, हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, ठीक है, लेकिन हम ये वे स्टार्टेड बिलीविंग कि दूसरों की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती. द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. इट्स नॉट ट्रू. आप उस गार्डन में जाइए ना, अपना गार्डन छोड़ के, बिल्कुल आप देखिए कि वो गार्डन क्या है. जब तक यू हैवंट स्टेप्ड इनटू समबडी एल्सेस शूज, बिल्कुल हाउ विल यू नो. अब मैं आपको इसके एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. इसमें क्या होता है, एक बार चूहा होता है. चूहा ईश्वर से कहता है कि क्या फ़ायदा मेरे चूहे बनने का, राज तो वो कुत्ता कर रहा है, मोहल्ले में इसको सब रोटी डालते हैं, वो शेर कर रहा है कि जो जिसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है. तो ईश्वर क्या करते हैं, उसे शेर बना देते हैं. ठीक, तो जब वो गांव में जाता है तो लोग उसके पीछे हथियार से पीछे पड़ जाते हैं, उसे बहुत चोट लगती है. तो उसे पता लगता जाता है चूहा तो मुझे कोई मारने भी नहीं आया. दही को तो आदमी अपनी चीज़ में खुश नहीं है, बट जब वो दूसरा बना तो उसे लगा कि मुझे चूहा बनने के फ़ायदा है, बिल में छुपा रहता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. सो बी हैप्पी इन योर ओन पैरामीटर्स. अपनी खुद की दुनिया को आप रिकग्नाइज कीजिए पहले. लुक इनवर्ड्स, ये हमेशा होता है ना, लुक इनवर्ड्स. करेक्ट. दो चीज़ बहुत ही हैज़ बीन इम्पैक्टफुल फॉर मी व्हिच आईड लाइक टू शेयर विद योर परमिशन इज दैट सर यू हैव ऑल द राइट. कम ऑन. लुक इनवर्ड्स एंड लिव फॉर द मोमेंट. आगे क्या होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लानिंग करने के लिए, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी और एनर्जीज आप ये देख रहे हो कि मैं अगले महीने, अगले साल, अगले हफ्ते क्या करने वाला हूँ, और अभी जो हो रहा है वो इन्जॉय नहीं करूँ. बिकॉज आई एम लविंग दिस एटमोसफियर, आई एम लविंग टॉकिंग टू यू. अब इसके बाद चाहे मुझे एक ऐसे शूट पर जाना है जहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्ट सीन मुझे करना है, मैं उसके बारे में डेफिनेटली वरिड हो सकता हूँ, लेकिन इस मोमेंट पर अगर मैं उसके बारे में वरिड हूँ तो ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है आपने कि आपके साथ बात करूँ, वो मैं इन्जॉय नहीं कर पाऊँगा. एंड व्हेन यू लुक इनवर्ड्स, मैं देखता हूँ कि यार वाह यार विशाल, आप बाहर जाते हो, आपको दो तीन लोग मतलब रिकग्नाइज करते हैं. बिल्कुल. कभी कभी पूरा कमरा रिकग्नाइज करता है, कभी कभी आप आई डोंट नो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो और लोग आपको रोड में फोटोग्राफ के लिए पूछ रहे हैं, क्या कभी तूने सोचा था कि ऐसा होगा, क्या तूने कभी ये एस्पिरेशन भी दी थी. कोई कौन करता है, मैंने तो कभी नहीं किया था. 18-year-old विशाल हैड नेवर बिलीव्ड और इवन थॉट और इवन एस्पायर्ड कि मैं दुनिया में जहाँ पर भी जाऊँगा लोग मुझसे फोटोग्राफ पूछेंगे, मुझे इतने प्यारे चीज़ें बोलेंगे कि आई एम गेटिंग गूज़बम्स. आप मेरा डीएम देखिए. आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंकफुल. थैंक यू फॉर मेकिंग आवर चाइल्डहुड ब्यूटिफुल. यू आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. यू नो यू आर लाइक द एल्डर ब्रदर आई नेवर हैड. ये बहुत ही पर्सनल कमेंट्स हैं. यू नो मैंने कहाँ सोचा था, लेकिन है. और अगर मैं इसमें खुश नहीं हूँ, जब ऊपर वाले ने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना नाम, इतना सम्मान, और मैं पूरा कंसंट्रेशन उसमें डालूँ कि यार रणबीर कपूर ने तो एनिमल की है, राइट? नो, आई एम इंस्पायर्ड बाय हिज परफॉर्मेंस. आई होप टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ फिल्म लाइक दैट वन डे, बट एम आई हैप्पी इन व्हाट आई हैव राइट नाउ? यस. तो एक बहुत ही थिन लाइन होती है कि आर यू कंटेंट एंड हैप्पी अपने जर्नी से इनसाइड, and are you inspired by what you want to achieve, or are you bitter about it? Be inspired. Choose inspiration. Do not choose bitterness. आपको देख के ना मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ही gratitude बहुत practice करते हो. आप practice नहीं, naturally. ये तो अभी अभी मैं पिछले कई साल से पढ़ रहा हूँ gratitude and I'm like अरे ये तो मैं करता रहता हूँ because it's natural. I'm very thankful. मेरे से 10 गुना better talented actors हैं, 10 गुना बेटर गुड लुकिंग पीपल हैं, 10 गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों को. मैं ही क्यों? जो भी मेरा मुकाम है ज़िंदगी में, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में, विदाउट ईगो आई एम सो सक्सेसफुल. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डू यू हैव योर हेल्थ, डू यू हैव योर फैमिलीज हेल्थ, डू यू हैव इनफ टू टेक केयर ऑफ योर बेसिक्स. उसके बाद Do I want to go to this 5-star hotel? Do I want a Mercedes? Yes. उसके बाद. लेकिन अगर आप basics देखो, I'm so full of gratitude, and each and every one of us should be. तो एक ना अभी पीछे मेरे को एक रील दिखी थी जो मुझे बहुत ऐसा लगा. किसकी? सौरभ सर हैं, शायद ललन टॉप करके वो चलाते हैं पॉडकास्ट। आई लव हिम। हाँ, ही इज अमेजिंग। तो वो राजपाल यादव से पूछते हैं कि कैसा, बिल्कुल, तो मैं वही बात पे आता हूँ। राजपाल यादव से पूछते हैं कि कैसा समय चल रहा है, बहुत टफ समय रहा आपका बीच में। तो बोलते हैं सर टफ समय चल रहा होता ना तो आज यहाँ नहीं बैठे होते। बिल्कुल, आई वॉज अबाउट टू से दैट। कैन आई जस्ट पिक अप फ्रॉम व्हाट यू सेड? मैंने आपके लिए छोड़ा है। नथिंग हैज टॉट मी एज मच एज माई फेलियर्स हैव टॉट मी। My successes have given me comfort, inspiration, motivation, security, and laziness. But my failures have made me the man I am today. And I wish for all of you to fail. Because when you fail, it hurts. Lekin when you gather yourself aur us failure se uthte ho, that's when you become a human being. That's when you become the woman or the man that you're meant to be. तब आपकी सही जो औकात है वो आप खुद recognize करते हो। आज देखो हम सबसे ज़्यादा किस एक्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बताइए? नहीं, नहीं आप बताओ। किस एक्टर को? रणवीर कपूर। रणवीर नहीं, नहीं। कौन कौन? नहीं नहीं, सोचिए। मैं बोलूँगा, आप बोलोगे हाँ, बताइए। किससे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वक्त कि वाओ बच्चन साहब? बॉबी देओल। अच्छा, बॉबी देओल, या राइट, सही बोला मैंने? यस। आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ नोइंग बॉबी देओल। 5 महीने पहले मैं उनसे बात कर रहा था, हमने 2 घंटे बात की कि करियर डाउन था, मैं आउट ऑफ द थिंग था, फिर मैंने मेहनत की, बॉडी पे काम किया, लेजीनेस चली गई, ये हुआ वो हुआ, फिर मैंने ये शो किया, आश्रम किया, ये किया वो किया, करते 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 आज मैंने एक फिल्म की है एनिमल, और वो आने वाली है। और आई लव द फिल्म यार, लोगों को पसंद आए नहीं पसंद आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना खुश हूँ। आज 6 महीने पहले एनिमल इज़ आउट, सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट बॉबी देओल को कर रहे हैं। क्यों? नॉट बिकॉज कि उनकी परफॉर्मेंस, इट वॉज लवली, इट वॉज ग्रेट, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर हिज ग्रेट परफॉर्मेंस, इट इज़ नॉट फॉर, इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ कम बैक स्टोरी। आप डाउन थे, आपने अपने आप को सिमटा एट द एज ऑफ 55 व्हाटएवर, और आपने गैदर किया। व्हाई डू यू थिंक शाहरुख खान की जिंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस पठान है? व्हाई? नॉट बिकॉज, आई से दिस वेरी क्लियरली, नॉट बिकॉज इट वॉज द ग्रेटेस्ट फिल्म, नॉट बिकॉज इट वॉज हिज ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस, बट बिकॉज इट वॉज, सबने बोल दिया था कि अरे शाहरुख खान तो हो गए, लेकिन अब ही इज बैक विद अ बैंग, 1,000 crores, 1,500 crores, wow, come back. So failures, if you learn from them ना, it's a very dangerous thing कि आप failure हो जाए, आप self sympathy में, oh no यार, अभी यार मैं क्या करूँगा यार, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। और एक दूसरा रास्ता है कि अच्छा ये हुआ है, क्यों हुआ ये failure? अच्छा ये reason हुआ, ये reason हुआ, बुरा लग रहा है, side में रखो, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, okay, अच्छा अब इसको इम्प्रूव कैसे करूं, अब मैं यहाँ कैसे करूं, अब मैं ओके रेडी प्रिपेयर्ड, अब फिर से ट्राई करते हैं। ओ नो, फिर से फेलियर हो गया, ओके बुरा लग रहा है, 2 दिन डन, उठो फिर से ये, अच्छा ये तो बेटर हो गया उससे, फिर से उठो, सक्सेस। वो मिठास, वो समथिंग एल्स। कभी ऐसा लाइफ में हुआ है कि जैसे आपको लगा था यार मैं ऑडिशन देने गया, आपसे बहुत बेटर लड़के वहाँ बैठे हो और आपको वो रोल मिल गया और आपको लगा था आप डिजर्विंग थे भी नहीं? नहीं, I feel that I'm the best when I audition. That's what you feel, मतलब I'm just saying, but I'm telling you my perspective. And it's not ego. I know it comes out as ego. जैसे no, अक्षय कुमार साहब ने बोला कि मेरे से बहुत गुड लुकिंग लड़के बैठे होते हैं, but I'm very thankful that I got this. 100%. वो बाद में मैं सोचता हूँ, लेकिन उस वक्त अगर मैं ऐसे सोचूँ, नहीं उस वक्त तो नहीं सोच सकते obviously. I'll be jacked. Yes. But still you feel that oh this is, thank God I got this opportunity. Gratitude आपने तो कहा, gratitude. मैं बैठा हुआ था, मेरा करियर कैसा स्टार्ट किया, मैं बंक मार रहा था अपने दोस्त के साथ, हम दोनों लफंगे थे, हम बैठे थे, हम बंक मार रहे थे, मैं कुछ 17 साल का था और हम सैंडविच खा रहे थे, और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की वहाँ थी, और वो आई, आती रही और आकर मुझसे बात की, बोलो क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि वी आर लुकिंग फॉर द फेस ऑफ आवर चैनल एंड यू फिट द बिल, विल यू ऑडिशन फॉर अस? आई सेड या, एंड शी सेड ठीक है ये मेरा नंबर है, कल मुझे फ़ोन करके आप आ जाइए। मैंने बोला ठीक है, थैंक यू। मैं भी थोड़ा सा कोशिश कर रहा था, नर्डी बॉय। एंड शी लेफ्ट। मेरा जो दोस्त था निमेश, उसने पूछा यार ये ऑडिशन क्या होता है? मैंने बोला मुझे क्या पता यार, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने नंबर दे दिया। That's how my life started. Yeah. तो मैंने फ़ोन किया, मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया। उस वक्त मुझे महसूस हुआ, I'm getting goosebumps, ये मेरी ज़िंदगी है यार। ये कैमरा जो है उसके आगे मैं, मेरे सारे जो इनोवेशंस हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, मैं भूल जाता हूँ। मैं इतने कॉन्फिडेंटली ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मैं पता नहीं किससे बात कर रहा हूँ। तो मैंने ऑडिशन दिया और मुझे वो शो मिल गया। और जिस फेस ऑफ द चैनल की बात वो कर रहे थे, उस चैनल का नाम था डिज्नी। और वहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरू हुई। मैंने कभी एस्पिरेशन नहीं था कि मैं एक्टर बनूँ। आई वॉन्टेड टू बी अ पायलट, माई पैशन इज़ टू फ्लाई। आज भी मैं एक ट्रेनिंग पायलट हूँ। आई फ्लाई रियली, बट आई नेवर थॉट, एंड दिस इज़ हाउ लाइफ लेड मी। एंड देन उसके बाद डिज्नी आर, डिज्नी क्लब, विकी और वेताल, हिप हिप हुर्रे, इश्क विश्क, जन्नत, किस्मत कनेक्शन, एक विवाह ऐसा भी, सलामे, मतलब हाउ, टाइम ही नहीं मिला डाइजेस्ट करने के लिए। ऐसे कौन सा को एक्टर रहा है आपके साथ जिसको आप भूल नहीं पाते? इट्स अ ब्यूटीफुल सोल ही इज़। रितेश देशमुख, इमरान हाशमी। अगर मेरे दो दोस्त हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, ये दो हैं। इवन नाउ दे कॉल मी इफ दे हैव एनीथिंग दे वांट टू टॉक अबाउट, आई कॉल देम। एक ऐसा फ्रीडम है उनके साथ। एंड वाई फिल्मी नहीं, एक वाई साइड भी है, क्योंकि उनके आई डोंट नो, एक सिक्योरिटी है उनका। कभी हमने एक दूसरे को काम के नज़रिए से नहीं देखा है, जो बहुत ही मुश्किल है इस लाइन में कि मैं इससे फ़ायदा एक होता है बिल्कुल, लेकिन कभी नेचुरली, बिलीव मी, जहाँ पर हमारी मुलाकात हुई फिल्म के सेट पर, इमरान और मेरी मुलाकात हुई जन्नत के सेट पर। पहली बार हम मिले सेट पर केप टाउन में, साउथ अफ्रीका में। और वो हमारा पहला सीन था जो क्लाइमैक्स सीन था, जो मतलब, बट एक होता है ना, जैसे कि आपके साथ एक बॉन्डिंग हो रही है, एक फील हो जाता है, यू अंडरस्टैंड वाइब यार कि कौन सच्चा है कौन। राइट। एंड रितेश देशमुख के साथ भी मेरी पहली मुलाकात हुई सेट पर, जाने कहाँ से आई है, और जस्ट बॉन्डिंग। एंड देन मेरे हिसाब से ये लोग अपनी ज़िंदगी में इतने सिक्योर हैं, और सिर्फ पैसों की वजह से नहीं भाई, सबके पास पैसे हैं अपने नीड्स को पूरा करने के, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में इतने सिक्योर हैं, कंटेंट हैं, वो जानते हैं एक क्या है, एक बेसिक भलाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। ये अगर आप लाइक माइंडेडनेस, शायद आई डोंट वांट टू ओवर एनालाइज इट, लेकिन दीज टू पीपल आर पीपल। विद्या बालन आउट ऑफ द गर्ल्स, व्हाट अ लवली पर्सन, यू नो। तो आई हैव हैड द ब्लेसिंग्स ऑफ मीटिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। कोई बुरा नहीं है, कोई मेरे कोस्टार्स, कोई ऐसे बुरे नहीं है, लेकिन वो अपने दौर से चल रहे हैं, वो अपने बैकग्राउंड से आते हैं, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या हो रहा है, जब मैं उनकी ज़िंदगी में था, जब वो मेरे ज़िंदगी में थे, वो क्या, व्हाट वाज ही गोइंग थ्रू, व्हाट वाज शाहिद गोइंग थ्रू, व्हाट वाज सलमान खान गोइंग थ्रू व्हेन आई वाज शूटिंग विद हिम, व्हाट वाज गोविंदा सर गोइंग थ्रू, राइट? यू कांट जज दैट। एक बाबा जी मेरे पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा कि अगर पैसा, पावर, ये सब बड़ा होता ना, तो बक्सर में एक रियल इंसिडेंट बताया उन्होंने। बक्सर में एक डीएम थे, मतलब डीएम का काम क्या होता है, पूरे एरिया का तनाव मेंटेन करना है ना। और उनको कुछ फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुआ और उन्हें सुसाइड कर लिया। तो उन्होंने बोला कि क्या पैसा, पावर, अगर ये सब बड़ा है तो क्या ये सब चीज़ होल्ड कर पाया? आपको नहीं कर पाया। सबसे बड़ा है कि आप अपने आप को पहले जान लो। सो ये तो बात हमने कर ली है। एट योर डेथ बेड आप देखो कि पैसे, लेकिन आई वांट टू एम्फसाइज ऑन वन थिंग अंकित, जो मैं हमेशा करता हूँ कि मैं थोड़ा सा बड़ा शब्द यूज़ करूँगा। मैं सूडो कैपिटलिस्ट नहीं हूँ। इसका ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब है कि मैं पैसों की अहमियत जानता हूँ। और मैं आपके व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं बार बार मैसेज देता हूँ, सबसे पहले हेल्थ, गुडनेस, लेकिन अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जितनी जल्दी आप कर सको आप करो। बिल्कुल। स्पेशली अगर आप क्रिएटिव लाइन में जाना चाहते हैं, आप वो कैसे करो ये आपकी चॉइस है, अच्छी तरह से, लीगली। लेकिन जब आप अपने आप को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पोजीशन पर पाएंगे, जहाँ पर आपके बेसिक्स, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक्स आपके कवर्ड है ना, तो आपकी सोच, आपकी टेम्परमेंट, आपकी पर्सनालिटी, आपकी रिस्पेक्ट आपकी खुद में अलग हो जाएगी। तो प्लीज़ आप कभी भी ये मत कहिए कि पैसे ज़रूरी नहीं है हमें बस पैशन के लिए। बुलशिट। आज भी अगर कोई मेरे पास आता है, चाहे वो दोस्त हो, दोस्त है नहीं जो बोलते हैं कि यार ये फ्री में कर ले, नहीं। हाँ अगर कोई चैरिटी इवेंट है वो अलग बात है, लेकिन ये मेरा काम है, इससे मैं अपना घर चलाता हूँ, ये मेरी कमाई है। एक दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ माई वर्क आई हैव पुट इन, राइट। अभी आपको इससे क्या लेना देना कि अगर मुझे ये पैसे की ज़रूरत है कि, तो पैसे कमाइएगा, अच्छे तरीके से कमाइएगा, इज्जत से कमाइएगा, लेकिन कमाइएगा। मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं जो चाहे ख़रीद लूँ, मैं जैसे चाहे ट्रैवल करूँ प्राइवेट जेट में, फर्स्ट क्लास में। मैं चाहूँ तो आज मैं लंदन जाऊँ या यूरोप जाऊँ या हरिद्वार जाऊँ, ये मेरा चॉइस है। और मैं पैसे कमाना चाहता हूँ और मैं कमाऊँगा, और मैंने कमाया है और मैं आगे भी कमाऊँगा। आई डोंट अंडरस्टैंड लोग क्यों समझते हैं कि अगर आप ऐसे कहें तो लोग आपको एक ये कैसा है, नहीं। इट इज़ गुड टू बी सक्सेसफुल, इट इज़ गुड टू वांट टू बी सक्सेसफुल, बट सक्सेस इज नॉट ओनली जज्ड एंड क्रेडिटेड विथ मनी, इट इज़ ऑल्सो मनी। मनी, गुडनेस, हेल्थ, इन तीन चीज़ों को आप बढ़ाइएगा। सो जो आपने कहा है ये बहुत ही सही कहा है, अपने मायने में सही कहा है, क्योंकि वो he was having everything, कोविड यार, इतने अमीर लोग, इतने सब ना, ऊपर वाले ने तो सबको एक ही लेवल में कर दिया। चाहे वो बंदा जमीन पे सोता था या अपने 5 स्टार लग्जरी सोफे में सोता था, बेड में सोता था, जाकर एक ही जगह गए ना। सो व्हाइल यू आर अलाइव हमें चाहिए ये चीजें। आफ्टर यू यू वांट टू कीप फॉर योर चिल्ड्रन, सो बी अ पर्सन हु ऑल्सो। मैं ये बहुत देख रहा हूँ, लोग कहते हैं नहीं यार मुझे नहीं कमाना है, नहीं कमाओ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सही तरीके से कमाओ। बिल्कुल, लाइक द एग्जाम्पल यू गिव मी अबाउट द जो 2 दुकान थे, कि दूसरे का शटर क्यों बंद कर रहे हो भाई, अपना शटर खोलो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट मैं जानना चाहूँगा, मतलब आपकी लाइफ में जो ऐसा घटा हो गया लगा यार ग्रेटफुल तो हमेशा रहना चाहिए, कोई एक रियल स्टोरी आपकी लाइफ से हो। ग्रेटफुल फॉर दैट ब्यूटिफुल गर्ल टू कम टू मी। जब मैं अपने दोस्त के साथ क्लास बंक कर रहा था, या कभी ऐसा बहुत हार्ड टाइम से बहुत एकदम से बाहर निकले तो आपको लगा यार नहीं समय लग नहीं रहा था निकलेगा, बट आप एकदम से क्विकली बाहर निकले। ये होता है विद द ग्रेस ऑफ गॉड कि व्हेन मेरे भी ज़िंदगी में डाउन्स होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। आप मेरा सोशल मीडिया देखोगे और आई एम श्योर कि लोगों का मेरे तरफ परसेप्शन ये है कि यार लेकिन मैं भी इंसान हूँ यार। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। लोग ये भूल जाते हैं कि आप इंसान हो, कि मैं इंसान हूँ, क्योंकि हमारा परसेप्शन जो है, हम शायद जितने ऑनेस्टली कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को भी अच्छा कर रहे हैं, हम भी अपना यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म टू शो आवर नाइस साइड ऑल्सो, बट लोगों का परसेप्शन ये होता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में भी होता है, तो मेरी ज़िंदगी में भी हुआ है। एंड ऊपर वाले की कृपा से आई हैव लर्न कि द बेस्ट वे टू गो थ्रू दिस इज एंजॉय इट। कि काम नहीं मिल रहा है, वाओ आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस, ये यार ये पागल हो गया है। कभी कभी मेरे दोस्त सोचते हैं तू क्या कर रहा है यार, तू मतलब पिछले 4 हफ्ते तो घर पे बैठा है। सर आई एम लविंग इट, नॉट बिकॉज आई कैन, बट मेरे एक और रास्ता है। ओह गॉड यार 4 हफ्ते से यार क्या करूं यार, चलो यार जो भी आए ले लो, चलो फ्री में कर लो, नहीं। और मैंने किया है और उससे सीख लिया। सो बहुत ही मुश्किल है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे अफेक्ट नहीं होता है बॉस, लेकिन कभी कभी अपने आप को भी बुद्धू बनाओ। और एक सीख मैंने, मेरे लिए तो बहुत काम करती है, आई लव टू शेयर इट विद यू ऑल, इज अ सीक्रेट कि अपने आप को बुद्धू बनाना, एक जो मज़ा आता है और उससे जो फ़ायदा होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। सो इट इज़ अ सिंपल स्टेप। द फर्स्ट स्टेप टू मेक अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ इज़ स्माइल। अपने सबसे बुरे वक्त में सिट डाउन अलोन, क्लियर योर माइंड, स्माइल। डू यू नो, साइंटिफिकली प्रूवन, रिसर्च कीजिए इसके बारे में, आप अपने आप को जैसे आप स्माइल करोगे ना, यू आर फूलिंग योर ब्रेन दैट यू आर हैप्पी. कैन यू इमेजिन? ट्राई इट, ट्राई इट. अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो ना, 2 मिनट लीजिए, सिट डाउन, स्माइल, विल चेंज. मेरे गेस्ट थे विक्रम कोचर सर. वो अभी डंकी में उन्होंने डेब्यू, मतलब वापस डेब्यू तो नहीं कहूँगा, सॉरी, ही केम ऑन डंकी अभी रिसेंटली. तो उनसे मैंने सवाल पूछा था कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी क्यों इतना ज़रूरी है ऐसे करके. तो फिर मैंने उनसे सवाल पूछा था, ऐसा भी तो दिन होता होगा कि जब आपकी जेब खाली है और आपको किसी करोड़पति का रोल करना है, तो कैसे आपकी जेब आपके चेहरे पे नहीं आनी चाहिए आपके क्राफ्ट में? लेकिन जेब खाली तो होती नहीं है कभी. अगर आप उस पोजीशन में हो तो जेब कम थोड़ी भरी. हाँ, मतलब मेरा ये कभी कभी ऐसा समय क्योंकि ये देखिए, सॉरी अंकित, आई एम इंटरप्टिंग यू बिकॉज हम ये यू नो हम इस दुनिया में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, सब चीज ब्लैक और व्हाइट होती है. ब्लैक और व्हाइट होती है. अरे ग्रे होता है भाई, उस ग्रे में तो मजा है. जिंदगी वो ग्रे है. जिंदगी वो नहीं है कि जब मैं यहाँ पहुंचूंगा, जब मेरे पास ये गाड़ी होगी तो मैं ये ऐसे नहीं. जब आपने कहा मैं 25,000 रुपये कमाना चाहता हूँ, आपने जब 25,000 रुपये कमाए, आपने बोला नहीं आप, मैं 50,000 रुपये कमाना चाहता हूँ. बिल्कुल, वो तेरी चॉइस है. ऐसे ऐसे बोलते हैं. सो यू आर एन एक्टर नंबर 1. It is your job to pretend. That's what I was asking. It's stupid. अगर आपका जॉब ही है ये कि आप बुद्धू बनाओ लोगों को. मैं किसी से मिला, उन्होंने बोला कि मेरे बस का नहीं है. उन्होंने ऐसे नहीं होता यार, मेरा बड़ा टाइम. तो फिर आप बस के नहीं है. उन्होंने बोला मेरा टाइम खराब चल रहा है, ये तो वो रोल में रहना पड़ता है, रहना पड़ता है. तो मैंने बोला प्रिपरेशन होती होगी यार, बट स्टिल ये चीज़ तो तेरे चेहरे पे नहीं आनी चाहिए. तो मैंने सवाल भी पूछा किसी से. नहीं, बट दैट्स योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर कि आप कैरेक्टर को निभाओ. अगर आप जिंदगी में एक डॉक्टर हो और अब डॉक्टर का किरदार कर रहे हो एज एन एक्टर, इसमें मज़ा क्या आ रहा है? एक्टर होना एक, उसके बहुत सारे, मेरे लिए बहुत सारे लव अफेयर्स हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट लव अफेयर है कि एक्टर, बिकॉज आई हैव बीन एन एक्टर फॉर द लास्ट 28 ईयर्स एंड आई इंटेंड टू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. आई हैव बीन अ गैम्बलर, राइट, आई हैव बीन एन आर्किटेक्ट, I have been a pilot. I have been so many careers. I have been a murderer. Right. I have been a lover. You know, so that is the beauty. Am I actually an architect? नहीं है. तो मैं कैसे करूँगा? तो similarly, अगर मेरे जेब में कम पैसे हैं और मैं एक ऐसे आदमी का एक कैरेक्टर निभा रहा हूँ जो करोड़पति है, मैं कैसे करूँगा? नहीं, मैं तो excited हो जाऊँगा. और I'll tell you a beautiful thing about this, अंकित. वो करते करते आप बिलीव करोगे, और जब आप बिलीव करोगे वो एनर्जीज आएंगे और आपको वो आ जाएगा. यू विल बी सरप्राइज्ड होगा. ये झूठ बात नहीं है कि अगर मैं यहाँ बैठ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार अब मैं निकलूंगा, अब मैं अपने मर्सिडीज में बैठूंगा, मेरा ड्राइवर मेरे लिए गाड़ी खोलेगा और मेरे पास वो लाइट्स होंगे, स्मेल ऐसे होगी लेदर की, और वो लाइट्स ऐसे होगा, जब एयर कंडीशनिंग आएगी तो उसमें से हवा जो कि खुशबू होगी वो ये होगी और ये फीलिंग होगा. फिर मैं बोलूँगा थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा नीचे, फिर मेरे स्क्रीन पर चल रहा है, फिर करण जौहर मुझे फ़ोन करेंगे. अगर आप अपने आप को इसमें एक्चुअली बुद्धू बनाएं, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग यू यार भाई, इट वर्क्स. बट यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ कि आप अपने आप को बुद्धू बना रहे हो. सिमिलरली उस वक्त आप डिल्यूजनल भी मत हो जाओ. बिल्कुल. बट इट इज़ रियली एंड द ईजीएस्ट एग्जाम्पल, जब किसी ने मुझे ये कहा था, जब मैंने बुक्स में पढ़े थे ये बात, तो मैंने बोला कैसे यार? तो एक बंदे ने बहुत ही ईजिली बोला, आप प्लेन में बैठे हो, यू लव प्लेन्स राइट, इसलिए आप पैसेंजर की तरह प्लेन में बैठे हो, ऑलराइट. जब रनवे में प्लेन चल रहा है तो आप डाउट करते हो कि ये टेक ऑफ होगा. इट डिफाइज एवरी लॉजिक. टिन बॉक्स एटलीस्ट 100 टन्स, लोग भरे हुए हैं, इंजन लगा हुआ है, आप उड़ने वाले हो. आप कभी डिफाई करते हो उसी परसेप्शन के साथ कि आपने, अरे ये तो होने वाला है. दैट इज वेयर इट वर्क्स कि आपका जो परसेप्शन है, आपका बिलीव है, वो इतना क्लियर हो. बिफोर एंडिंग दिस, आई वॉन्ट यू कंक्लूड कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे यार ये बात ना कह देनी चाहिए आपके एक शो के थ्रू, बिकॉज हमारा नाम है इम्पैक्ट स्टोरीज. इम्पैक्ट स्टोरीज मतलब कुछ तो इम्पैक्ट है. ये ज़रूर आप सुनना, ज़रूर मेरे बिहाफ पे. That's very tough यार. I don't know. impact, I think life is full of impacts. I'm sorry, I'm not being, there's so many. You don't have to go on my road की impact के बारे में बात करें. I'm just saying your take on this कि मैं sum up करता हूँ. ये मुझे लगता है life में ऐसा ऐसे जी लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे कमा लेना चाहिए. I think a sum up of everything that we have spoken. कितना I just enjoyed this conversation so much. The real impact in life is थोड़ा सा एक morbid चीज़ है, but the biggest impact in life is when you're about to take your last breath. क्योंकि उससे ज़्यादा reality check आपको नहीं मिलने वाली है. हम अक्सर अपने ज़िंदगी के सफ़र में ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं और हम mortal हैं. हमारी ज़िंदगी ख़त्म होगी. हम भी बूढ़े होंगे. हम भी बूढ़े हो जाएंगे. हमारी भी ज़िंदगी में बैड हेल्थ आएगी और एक टाइम आएगा जब हमारी जो ज़िंदगी है वो फाइनाइट है, वो ख़त्म हो जाएगी. सॉरी, मैं डिप्रेस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम इस परसेप्शन से देखें ज़िंदगी को तो वो इम्पैक्ट आएगा कि हमारे पास इतना ही वक्त है और उस वक्त में हमें क्या लेगेसी छोड़नी है हमारे बाद, वो हमें करना है. इट इज़ नॉट अबाउट द फाइनल डेस्टिनेशन, इट इज़ अबाउट द जर्नी. इस रास्ते में हमें बहुत सारे एग्जिट्स मिलेंगे, स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे, अच्छे रास्ते मिलेंगे, बुरे रास्ते मिलेंगे. अब ये हमारे ऊपर है, ये हमारा डिसीशन है कि हम इन मोड़ को, इन रास्तों को कैसे मैनिपुलेट करें और कैसे जिएं. और अगर आप अपने बैड टाइम्स में खुश रहें और अपने ग्रेट टाइम्स में भी खुश रहें और दूसरों की इज्जत करें, दूसरों को हेल्प करें, आप लेगेसी छोड़ेंगे. एक आप पता नहीं आपसे सवाल पूछना मन क्या मेरा, ये पूछ रहा हूँ. एक एक चीज़ बोलूँगा मैं, आप में चाहता हूँ आप इससे बात करके उसके बारे में आप बताओ. तो एक छोटी सी शायरी है, उसमें वो कहता है कि मेरे बारे में कोई राय मत रखना, वक्त बदलेगा, आपकी राय बदलेगी. ट्रू, स्पेशली इन द लाइन दैट आई एम इन. एंड क्यों हर लाइन में. थैंक यू फॉर कमिंग टू इम्पैक्ट स्टोरीज विशाल. थैंक यू सो मच. Thank you. It was a pleasure.